नमस्कार दोस्तों, ऑल फार्मिंग आइडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम हमारे इस चैनल पर तरह तरह के पेड़ लगाना, पौधे उगाना, सब्जियाँ उगाना, फूल को लगाना, यह सब गार्डन में कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। आज मैं इसी तरह आपको शुगर केन यानी कि गन्ने को अपने गार्डन में कैसे उगाए वो बताने जा रहा हूँ। तो हमारा यह वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप कुछ चीज़ें इकट्ठा कर ले, जैसे कि खोदने के लिए बेलचा, मिट्टी को हटाने के लिए फावड़ा, शुगर केन का टुकड़ा आप कहाँ से बाजार से या कहीं से ले आए, आसपास कोई खेत हो वहाँ से ले आए, और पानी और ऑर्गेनिक खाद। अगर आपके पास ऑर्गेनिक खाद ना हो तो भी चिंता नहीं, गोबर जो होता है गाय और भैंस का उससे आप बना सकते हैं। हम यहाँ हमारा ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने बागीचे में जिस जगह पे अच्छी सी धूप आती हो और जो आपके यूज़ में ज़्यादातर नहीं आती हो, कोने में पड़ती हो, वैसी जगह ढूंढ ले, क्योंकि ये जो शुगर केन है वो उसका पौधा लंबा होता है, उसके पत्ते जो है वो आपको काट सकते हैं, वो धार वाले आते हैं। तो ऐसी जगह के चुनाव करने के बाद आपको इस जगह को अपने हाथों से बेलचा या फावड़ा लेके उसको खोद लेना है। आपको यह गड्ढा 1 फीट चौड़ा बनाना है और 10 से 15 सेंटीमीटर गहरा बनाना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये मिट्टी में खोद रहा हूँ उसके अंदर हमने ऑर्गेनिक खाद ऑलरेडी डाली हुई है। तो ये जो मिट्टी है ऑर्गेनिक खाद से और पोषक तत्वों से भरपूर है। आपको इस तरह खोद लेना, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने। इसके बाद इस मिट्टी को हम थोड़े समय तक रहने देंगे, 1 दिन तक या आप 10 घंटे तक भी रहने दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसके अंदर की जो नमी है, जो हमें अभी यूज़ नहीं करनी, इस मिट्टी को हम सूखी हो जाने के बाद यूज़ करेंगे, तो यह नमी उसके अंदर से चली जाएगी। यह नमी इसके अंदर से चली जाए उसके बाद आपको क्या करना है कि इस मिट्टी को फावड़े से साइड पे हटा लेना है। यहाँ आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये मिट्टी हम फावड़े की मदद से हटा रहे हैं, और इस मिट्टी को हमको दूसरे उपयोग में नहीं लेना, इसको इसी गन्ने के ऊपर डालने के लेने हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 गन्ने के टुकड़े हैं जो 1 से 1.5 फीट तक लंबे हैं। इसके अंदर जो आप देख सकते हैं कि गांठ है वो हिस्सा ऐसे रखना है कि ये मैं आपको दिखा रहा, इसको गन्ने को हम ऐसे नीचे रखेंगे। उसके बाद हम ये फावड़ा लेंगे और फावड़े से ये जो मिट्टी है उसको धीरे धीरे करके उसके ऊपर हम डाल देंगे। मिट्टी को हमें दबाना नहीं है, अगर उसके अंदर कोई कंकर वंकर या बड़े मिट्टी के टुकड़े हो तो उसको हमें निकाल देना है, क्योंकि वो उसके नीचे से पौधा अगर निकलेगा तो उसको रोक सकते हैं। मिट्टी को उसके ऊपर डालने के बाद अब हमें दूसरा कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इसको पानी देना है, और पानी हमें दो तीन दिन तक देते रहना है। हमारा यह पौधा हमें कम से कम 10 से 15 दिनों में बाहर ज़मीन के बाहर निकल जाएगा और वो 3 से 4 महीनों में बढ़ जाएगा। यहाँ आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमारा जो पौधा है 10 से 12 दिनों के बाद इतना बड़ा हो गया है ज़मीन के बाहर निकलने के, इसकी साइज़ 1 फीट तक बढ़ गई है, और यही पौधा अब धीरे धीरे करके बढ़ेगा और इसके आसपास दूसरे पौधे भी उस गन्ने के अंदर से उगेंगे। यह गन्ना हमें 3 से 4 महीने में पूर्ण विकसित हो जाएगा, उसे हम खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट और लाइक जरूर से करें हमारी इस वीडियो पे, और आप हमारे फेसबुक और ट्विटर पेज से भी जुड़ सकते हैं। और आपके मन में कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो इसके बारे में तो आप हमें कमेंट करके जरूर से बताएं, हम उसका जवाब देने में पूर्ण प्रयास करेंगे। हमारा यह वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद।